गोरखपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब कम होती जा रही है। आंकड़े लगातार 50 के नीचे आ रहे हैं। रविवार को 24 घंटे के अंदर केवल 35 नए मरीज मिले हैं, जबकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना संक्रमित मरीज 56 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 19,795 पहुंच गया है। इनमें 19,105 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 318 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 372 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। कोरोना की रफ्तार कम होने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि मरीजों की संख्या लगातार घट रही है, जबकि जाँच रोजाना 3,000 से 4,000 के बीच है। एंटीजन और आरटीपीसीआर की जाँच में भी ज्यादातर लोग निगेटिव मिल रहे हैं, ये बेहद खत है। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले कम से कम 20 लोगों की भी जांच लगातार की जा रही है। रविवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 19 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 9 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा कोतवाली और राजघाट में एक एक, शाहपुर तिवारीपुर रामगढ़ताला और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 11 नए मरीज मिले हैं। इनमें बांसगांव, बेलघाट, कौड़ीराम, सैजनवा और खोराबार में एक एक, सरदारनगर में 2 और चरगावा में 4 मरीज मिले हैं। इनके अलावा 5 मरीज अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतने होंगे, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।